मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने बाबा जान से अपने घर से अलग होना पड़ेगा। एक शहर में रहते हुए भी हम मिल नहीं सकते। वक्त बहुत जालिम होता है शहीद, कब क्या करवट ले ले कोई नहीं जानता। जब आज़र से रिश्ता तय हुआ था, मुझे लगा ये जिंदगी भर का साथ है। फिर अचानक मोहब्बत भी हो गई। मैंने कभी आज़र से जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर देखो, किस्मत ने किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अभी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं होती। वो उस मोहब्बत को ठोकर मारकर खुश हो जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि एक वक्त आता है जब उनके दामन में पछतावों के सिवा कुछ भी नहीं होता। अरे क्या बात है भाई, दोनों बड़े सीरियस लग रहे हो। तुम आ गई हो ना, अच्छी अच्छी बातें करो, दिल को खुश करने वाली बात। मेरी बातों से कोई खुश भी होता है? ये तो पहली बार पता चला है मुझे। कोई खुश हो ना हो, एक इंसान बहुत खुश होता है। और वो एक कौन है? मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई। भाभी सच कह रही है, वैसे इनकी गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मैडम अब अंदर चल के आराम कर लीजिए, हमारे आने वाले मेहमान का भी ख्याल कीजिए। चलिए।